आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि SFS मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर भंडारी आज होंगे सेवामुक्त। सरकार डॉक्टर भंडारी के आवेदन पर उनका VRS कर चुकी है मंजूर। डॉक्टर भंडारी आज सुबह 11 बजे अपना चार्ज करेंगे हैंडओवर। कॉलेज के नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा को सौंपेंगे चार्ज। इसके बाद RUHS में स्थायी VC के रूप में काम संभालेंगे डॉक्टर भंडारी। SMS मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भंडारी ने दी है 35 साल की सेवा। इस दौरान बतौर प्राचार्य डॉक्टर भंडारी ने किए कॉलेज में कई नवाचार। कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर कहा कि भंडारी का फोकस हमेशा देखने को मिला। तो वहीं डॉक्टर भंडारी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है IPD टावर। तो अपने आप में आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, दो दो जिम्मेदारियां उनके पास थी, पर अब ऐसे में बड़ी खबर, अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, पूरी जानकारी इस खबर को लेकर आपसे चाहेंगे। हाँ, देखिए आज डॉक्टर सुधीर भंडारी जो कि SFS मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 साल से प्राचार्य पद का काम देख रहे थे, उनका आज VRS जो है मंजूर कर लिया गया। उनका अंतिम दिन आज है, 4 तारीख की VRS मंजूर किया गया था। तो आज वो अपना पद छोड़ेंगे और पद छोड़ करके जो कल देर रात जो आदेश जारी किए गए थे कि SMS मेडिकल कॉलेज पद के लिए डॉक्टर राजीव बरगट्टा का नाम जो है फाइनल किया गया था, उन्हें अपना चार्ज सौंपेंगे। और आज से ही संभवतः RUHS की स्थायी VC का चार्ज भी डॉक्टर सुधीर भंडारी लेंगे। डॉक्टर सुधीर भंडारी की बात करें तो तकरीबन 35 साल उन्होंने SMS अस्पताल मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी सेवाएं दी है, और इस दौरान चाहे बात करें प्रशासक की भूमिका में, चाहे बात करें डॉक्टर्स की भूमिका में, उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और अब वो अपनी पूरी जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर राजीव बरगट्टा को सौंपेंगे। राजीव बरगट्टा के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, बहुत से प्रोजेक्ट हैं सरकार की, कई फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो जिनका क्रियान्वयन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए दी गई है डॉक्टर राजीव बरगट्टा को, तो उनपे बहुत बड़ी कह सकते हैं चुनौती उनके लिए है, चाहे वो टावर की बात करें और अन्य जिम्मेदारियां हैं, तो ये सभी जिम्मेदारियां वो निभाएंगे। 11:30 बजे टाइम निर्धारित किया गया कि ये अपना हैंड ओवर जो है वो करेंगे, और उसके बाद में RUHS के स्थायी VC का चार्ज जो है डॉक्टर भंडारी जो है लेंगे। जी बिल्कुल, देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा कि उनके दिशा अनुसार किस तरीके की दशा आने वाले दिनों में SMS मेडिकल कॉलेज की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।